जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है, तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, 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 हालेलुया 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 हालेलुया। इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का महिमा हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम उस महान परमेश्वर पिता की गाना गाकर स्तुति करने वाले हैं, इसलिए सभी जन गाने में भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 2, गाना नंबर 4, स्तुति आराधना। पन्ना नंबर 2, गाना नंबर 4, स्तुति आराधना। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 7 गाना नंबर 16 ये कितनी सुंदर दुनिया। पन्ना नंबर 7 गाना नंबर 16 ये कितनी सुंदर दुनिया। कितनी सुंदर दुनिया ये कितना सुंदर आसमां यहाँ हमको जन्म दिया वह ईश कितना दयालु जगदीश कितना दयालु ये कितनी सुंदर
जगदीश कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभेशु, धन्यवाद प्रभेशु, धन्यवाद प्रभेशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गाना नंबर 10, गाना नंबर 21, गाते हैं बजाते हैं। गाते हैं बजाते हैं खुशियां हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियां हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, बजाते हैं खुशियां हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियां हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पापों में क्यों मरते यारो, यीशु को तुम अपनाओ, माफी तो मांगो, हमारे साथ तुम भी ये गाओ। गाते हैं बजाते हैं खुशियां हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियां हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभेशु, धन्यवाद प्रभेशु, धन्यवाद प्रभेशु, धन्यवाद प्रभेशु। हालेलुया 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 13, गाना नंबर 29, सारी सृष्टि गाती है। पन्ना नंबर 13, गाना नंबर 29, सारी सृष्टि गाती है। सारी सृष्टि गाती है हालेलुया होसाना, मिलजुल कर वे गाते हैं हालेलुया होसाना, ऊंचे स्वर में गाते हैं हालेलुया होसाना, तारा मंडल गाते हैं हालेलुया होसाना, पृथ्वी पातल गाते हैं हालेलुया होसाना, मानव जाति गाती है हालेलुया होसाना, मोचक यीशु जी हालेलुया होसाना, हर वरदायक यीशु जी हालेलुया होसाना, सौख्यदायक यीशु जी हालेलुया होसाना, करुणा सागर यीशु जी हालेलुया होसाना, विश्व रक्षक यीशु जी हालेलुया होसाना, होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना, मेरे प्यारे यीशु जी हालेलुया होसाना, मुक्ति दाता यीशु जी हालेलुया होसाना, शांति दाता यीशु जी हालेलुया होसाना, जीवन दाता यीशु जी हालेलुया होसाना, जीवन जल तू यीशु जी हालेलुया होसाना, जीवन रोटी यीशु जी हालेलुया होसाना, हालेलुया हालेलुया होसाना,
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 पन्ना नंबर 45 गाना नंबर 103 नारे लगाओ और गाओ रे पन्ना नंबर 45 गाना नंबर 103 नारे लगाओ और गाओ रे नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे के पास तुम आओ रे जीवन से उलझा हुआ राही रे यीशु के पास तुम आओ रे हालेलुया 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 गम का ये राह सब छोड़ रे जिंदगी में अब कुछ जोड़ रे गम का ये राह सब छोड़ रे जिंदगी में अब कुछ जोड़ रे हालेलुया 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 यीशु का मृत्यु हुआ है पापों का अंत हुआ है मृत्यु हुआ है पापों का अंत हुआ है हालेलुया 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 खुशियाँ वो बांट रहा है प्रेम की धार वही है खुशियाँ वो बांट रहा प्रेम की धार वही है हालेलुया 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 लंबा सफर जिंदगी करे सच्चाई कोई ना जान रे लंबा सफर जिंदगी करे सच्चाई कोई ना जाने रे हालेलुया 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 आंखें ऊपर तो लगाओ रे यीशु के पास तुम आओ रे आंखें ऊपर तो लगाओ रे यीशु के पास तुम आओ रे हालेलुया 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 नारे लगाओ रे गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे नारे लगाओ रे गाओ रे हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 पन्ना नंबर 48 गाना नंबर 110 हम बोले
पन्ना नंबर 48, गाना नंबर 110, हम बोले। हम बोले प्रभु येशु नाम, जय येशु जय नाम। हम बोले प्रभु येशु नाम, जय येशु जय नाम। दया निदान प्रभु येशु नाम, जय येशु जय नाम। दया निदान प्रभु येशु नाम, जय येशु जय नाम। हम बोले प्रभु येशु नाम, जय येशु जय नाम। हम बोले प्रभु येशु नाम, जय येशु जय नाम। मंगलमय प्रभु येशु नाम, जय येशु जय नाम। मंगलमय प्रभु येशु नाम, जय येशु जय नाम। हम बोले प्रभु येशु नाम, जय येशु जय नाम। हम बोले प्रभु येशु नाम, जय येशु जय नाम। मरियम नंदन येशु नाम, जय येशु जय नाम। मरियम नंदन येशु नाम, जय येशु जय नाम। हम बोले प्रभु येशु नाम, जय येशु जय नाम। हम बोले प्रभु येशु नाम, जय येशु जय नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु येशु, 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 धन्यवाद प्रभु येशु। हालेलुया 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 1,
गाना नंबर 2 सेनाओं का यहोवा। पन्ना नंबर 1 गाना नंबर 2 सेनाओं का यहोवा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, जागो का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, जागो का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। पन्ना क्रमांक 51 गाना नंबर 117 दुनिया के कोने कोने में। पन्ना नंबर 51 गाना नंबर 117 दुनिया के कोने कोने में। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में, हालेलुया।
का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। इस दिल के कोने कोने में यीशु का नाम इस दिल में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में हालेलुया। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग चलल जाय हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन, स्वर्ग चलल जाय हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन, स्वर्ग में हो वे शांति, काली का कोनो भय नहीं के, स्वर्ग में हो वे शांति, काली का कोनो भय नहीं के, स्वर्ग चलल जाय हम लोकन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन, स्वर्ग चलल जाय हम लोकन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन, स्वर्ग का राजा प्रभु यीशु देख निहारे नाचे सभी जन, स्वर्ग का राजा प्रभु यीशु देख निहारे नाचे सभी जन, स्वर्ग चलल जाय हम लोकन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन, स्वर्ग चलल जाय हम लोकन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन, स्वर्ग चलल जाय हम लोकन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। जिनकी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग, जिनकी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग, ऊ हमें चलावे उहे हमें राखे, हमरे घर जिया के उहे पूरा करे, ऊ हमें चलावे उहे हमें राखे, हमरे घर जिया के उहे पूरा करे, जिंदगी के रहिया में बन के संग दिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग, प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग, बारी विपतिया में जी घबराए तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे, बारी विपतिया में जी घबराए तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे, जिंदगी के रहिया में बन के संग दिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग, जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग, हमरा के कवनो भय अब नहीं के, जीवन के प्रभु यीशु हवे संग संग, हमरा के कवनो भय अब नहीं के, जीवन के प्रभु यीशु हवे संग संग, जिंदगी के रहिया
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी हम जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले हैं, इसलिए पूरे दिल से स्तुति आराधना में भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, हम दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं कि स्वर्ग से तूने हम पर अनुग्रह किया, स्वर्ग से तूने आज हम पर दया की और तेरे पवित्र चरण के पास तूने हमें इकट्ठा किया। आज के दिन के बदले हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आज के दिन के बदले हम तेरी स्तुति करते हैं कि आज दिन भर तूने हमें संभाला, हमारी हर जरूरतों को पूरा किया और आज तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए तूने स्वर्ग से हम पर दया की, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज के दिन के बदले हम तुझे धन्यवाद देते हैं, इस समय के बदले हम तेरी स्तुति करते हैं, इस दिन के बदले हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें प्रतिदिन संभालता है, हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते करते हैं। तू मेरा परमात्मा, तू
हाँ पिता, हम दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू हमसे बहुत प्यार करता है। हाँ, दिल से उस पिता को धन्यवाद दो, दिल से उस पिता परमेश्वर की महिमा करो, वो हमसे सच्चा प्यार करता है कि उसने हमें बनाने से पहले हमारे लिए सारे विश्व को बनाया और इस विश्व के द्वारा वो हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है, वो हमें सब कुछ देता है, इसलिए दिल से उसे धन्यवाद दो, दिल से उसकी प्रशंसा करो। हाँ पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं कि तूने हमें बनाने से पहले हमारे लिए आसमान बनाया, चांद तारे बनाए, सूरज बनाया और प्रतिदिन तू हमें सूरज का मुफ्त प्रकाश देता है, हर साल तू हमारे लिए बारिश का पानी देता है, हमारे लिए इस भूमि की तूने आशीषित किया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने सारे विश्व को हमारे लिए बनाया और सुंदर बनाया है और तूने हमें तेरे प्रतिरूप जैसे बनाया, तेरे पवित्र हाथों से तूने हमें निर्माण किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हमारे शरीर के बदले हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तू हमारा सच्चा पिता है, तू हमारा सब कुछ है, हम दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ हाँ, ला 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 ला। दुनिया बनाने वाले हम
हम दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद हम तेरी प्रशंसा करते हैं कि तू हमसे इतना प्यार करता है कि हम सब पाप में मर चुके थे, हम पाप करके हम नरक में जाने वाले थे, लेकिन तूने स्वर्ग से हम पर अनुग्रह किया, तूने हम पे स्वर्ग से दया की और तूने हमें पापों से छुड़ाने के लिए, पापों से बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस धरती पर भेज दिया। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा तूने हमारा स्वीकार किया, प्रभु यीशु के द्वारा तूने हमें बचा लिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। हाँ पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तू हमसे बहुत प्यार करता है, तू हमसे इतना प्यार करता है कि तूने हमें पाप में मरने नहीं दिया, तो तूने हमें पापों से बाहर निकालने के लिए अपना पुत्र को, अपने पुत्र को उस क्रूस के ऊपर बलिदान होने दिया। हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। हाँ प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तू हमारे लिए स्वर्ग छोड़ के इस दुनिया में आ गया। हाँ प्रभु, तेरे द्वारा हमें जीवन मिल गया, तेरे द्वारा हमें सब कुछ मिल गया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ रहता है, हर समय हर घड़ी तू हमारे पास रहता है, तू हमें संभालता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियां हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको यीशु, हम दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। हाँ, तू हमारे लिए उस क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दे दिया, हमारे लिए तूने भयानक चाबुक के फटके खाए, हमारे लिए तेरे सर पर विषारे कांटों का मुकुट पहनाया गया। हाँ प्रभु, हमारे लिए तूने सारे दुख और निंदाओं को सह लिया और तेरे बलिदान के द्वारा हम शैतान के गुलामगिरी से मुक्त हो गए। आज हमारे शरीर के ऊपर, हमारे
आत्मा के ऊपर केवल तेरा अधिकार है। तू हमारे जीवन का मालिक है, तू हमारा सब कुछ है। हाँ प्रभु, तेरे द्वारा हम अंधकार से प्रकाश में आ गए, तेरे द्वारा हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर गए। हम दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं कि तेरे द्वारा हमारा जीवन आशीषों से भर गया। हम पहले श्राप में जीवन जी रहे थे, हमें किसी प्रकार की आशा नहीं थी, लेकिन तू हमारे जीवन में आ गया और हमारे श्राप भरे जीवन को तूने हमसे दूर किया और तेरे आशीषों से हमें भर दिया है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हाँ प्रभु, दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। हाँ प्रभु, हमारे शरीर के ऊपर केवल तेरा अधिकार है, हमारे आत्मा के ऊपर तेरा अधिकार है, तू हमारा सब कुछ है। हम दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। हमारा तू प्रभु है, तू हमारा मुक्तिदाता है, तू हमारा सब कुछ है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं कि तूने हमें बीमारी से चंगाई दी, तूने हमारे दुखों से हमें बाहर निकाला और हमारा जीवन आनंदित किया है, हमारा जीवन शांति से भर दिया है। हाँ प्रभु, तूने हमें तेरी स्वर शांति दी है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, 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 हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हे प्रभु यीशु, तू अच्छा है, तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू प्यार से भरा हुआ है, तू दया से भरा हुआ है, तू करुणा से भरा हुआ है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, 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 बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
की जय, बोलो जय जय जय। अभी दिल से उस पिता की आराधना करो। आप पूरी तरह से शांत हो जाओ, आपकी शरीर की आँखें बंद रखो और आत्मा की आँखों से उस स्वर्गीय पिता की आराधना करो। उस स्वर्गीय पिता को धन्यवाद दो, वो आराधना के लिए पात्र है, वो महिमा के पात्र है। धन्यवाद। दिल से उस पिता की आराधना करो, स्तुति। दिल से अपने प्रभु यीशु की आराधना करो। धन्यवाद। वो स्वर्ग के राजासन के ऊपर विराजमान है। हाँ प्रभु। वो पिता के दाहिने हाथ के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ प्रभु। वो पवित्र पवित्र और अति पवित्र है। दिल से उसकी आराधना करो। दिल से पवित्र आत्मा की आराधना करो कि पवित्र आत्मा हमें पिता के पास लेके जाता है। पवित्र आत्मा में हर परमेश्वर की बातें समझा कर देता है। इसलिए दिल से उसकी आराधना करो, उसकी महिमा करो। हाँ पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं कि स्वर्ग के राजासन के ऊपर तू विराजमान है, तू पवित्र पवित्र और अति पवित्र है। हम दिल से तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। हाँ प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। तू हमारा प्रभु है, तू हमारा मुक्तिदाता है। हम दिल से तेरी आराधना करते हैं कि तेरे द्वारा हम स्वर्गीय पिता के बाहों में जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हाँ पवित्र आत्मा, हम तेरी उपासना करते हैं कि तू पिता से निकलने वाला सत्य का आत्मा है। तू हमारे शरीर में बस्ती करता है, तू हमारे शरीर में बस्ती करता है, तू हमारे आत्मा में रहता है। हम दिल से तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाथ, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाथ, मैं करता हूँ तेरी तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व ले, तेरी आराधना,
स्तुति तू मेरा जीवन सर्वस्व मिले तेरी आराधना तेरी स्तुति तू मेरा जीवन सर्वस्व मिले तेरी वो प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है। हाँ प्रभु, कि हमारे लिए उसने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दे दिया। वो हमारे लिए उस क्रूस पर मर गया, लेकिन वो जीवित परमेश्वर का पुत्र था। वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक था। वो मृत्यु पर जय पाकर तीसरे दिन गौरव से जीवित हो गया। और 40 दिन उसने अपने चेलों को दर्शन दिए। और 40वें दिन स्वर्ग में जाते समय उसने अपने चेलों को अभिवचन दिया, मैं कभी भी तुम्हें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपना सत्य का कई बार पवित्र आत्मा दूंगा। और वही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु हमें देने के लिए तैयार है। जो व्यक्ति उसके ऊपर पूरे दिल से विश्वास करता है उसको वो प्रभु यीशु उसके पवित्र आत्मा से भर देता है। स्वीकार कीजिए उसके पवित्र आत्मा का, स्वीकार कीजिए उसके पवित्र आत्मा का। वो प्रभु यीशु उसका पवित्र आत्मा हमें देने के लिए तैयार है। वो प्रभु यीशु हमें उसके पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार है। स्वीकार कीजिए उसके पवित्र आत्मा का। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, हमें तेरी जरूरत है, हमें तेरी जरूरत है। आ पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जा, हमारे दिल में आ जा। आ पवित्र आत्मा, पावन आत्मा अंतरयामी, पावन आत्मा अंतरयामी, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया।
स्तुति आराधना खत्म हो गई है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 31 से लेकर 34 तक मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। इतने में उसके चेले यीशु से यह विनंती करने लगे कि हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु को उसके चेले विनंती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रब्बी कुछ खा ले, गुरुजी कुछ खा ले। तब यीशु ने जवाब दिया कि मेरे पास ऐसा भोजन है जो तुम नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। तब चेले आपस में बोलने लगे, क्या किसने इसे खाने के लिए कुछ लाया था? ऐसा कौन सा भोजन उसके पास है जो हम नहीं जानते? इसका मतलब ऐसा होता है किसने भोजन लाया होगा। तब यीशु ने जवाब दिया, यीशु ने कहा कि मेरा भोजन यह है कि मुझे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार मैं चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु ने सच कहा कि संसार को मालूम नहीं है कि उसका खाना क्या है, उसका भोजन क्या है। यीशु मसीह का भोजन जो है ये संसार जानता नहीं है, ये दुनिया जानती नहीं है, ये सत्य है। दिस इज द ट्रुथ कि मैं जो कुछ खाता हूं आप नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो जीवन यीशु ने इस संसार में दिखाया, वो जीवन जीने के लिए, दिखाने के लिए हमें वही खाना खाना है जो यीशु ने खाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को हम जानते हैं कि इस संसार में सबसे कामयाब आदमी, द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनैलिटी ऑन द अर्थ इज नन अदर देन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में सबसे कामयाब जीवन वो जिया। 2000 साल होते आए तो भी आज भी लोग पूरे संसार में उसकी आराधना करते हैं। ऐसा आदमी बता रहा है कि मेरा खाना ऐसा है कि जो आप नहीं जानते हैं, मैं जो भोजन लेता हूं आप नहीं जानते हैं। लेकिन जब यीशु ने ऐसा कहा तब चेले समझ तो नहीं पाए। जब परमेश्वर बोलता है हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग एक दिशा से चलता है, परमेश्वर का विचार दूसरे दिशा से होता है। हालेलुया। मनुष्य के सोच विचार जो है वो परमेश्वर के सोच विचार से उल्टे है, उल्टे। मनुष्य सृष्टि का सोचता है, परमेश्वर स्वर्ग का सोचता है। आसमान स्वर्ग में जितना अंतर, आसमान धरती में जितना अंतर है उतना अंतर परमेश्वर के विचार में और मनुष्य के विचार में है। इसलिए जब यीशु ने कहा कि मेरे पास ऐसा भोजन है जो तुम नहीं जानते, तब वो चेले नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा कि किसी ने उसको खाना लाया होगा, किसी ने उसको भोजन लाया होगा। दैट वॉज देयर कंक्लूजन, ये उनका विचार था, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन यीशु ने उसके बारे में नहीं कहा, ऐसा नहीं था किसी ने यीशु को खाना लाया था। यीशु ने कहा, मेरा भोजन क्या है समझ लीजिए, मेरा भोजन यही है कि मुझे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार मैं चलूं और उसका काम मैं पूरा करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों,
इस भोजन को हम नहीं जानते हैं, ये खाना हम नहीं जानते हैं। हम जो खाना जानते हैं वो अलग है। हम फल को जानते हैं, चावल को जानते हैं, गेहूं को जानते हैं, ये सब हमारा खाना है। इस खाने से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। इस खाने के द्वारा, इस भोजन के द्वारा हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। इसलिए हम फल खाते हैं, चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु बोल रहा है कि मेरा खाना ही अलग है, मेरा भोजन ही अलग है। मेरे भोजन को जान लो। मेरा भोजन क्या है कि जिसने मुझे भेजा है उसके इच्छा के अनुसार मैं चलूं और उसका काम मैं पूरा करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, हम पेड़ पे जाते हैं, पेड़ का फल निकालते हैं, खाते हैं। हम गेहूं पका बनाते हैं, गेहूं खाते हैं, यानी खेत में फसल पकाते हैं, उसे गेहूं मिलता है, चावल मिलता है। बस हमें पृथ्वी पर पेड़ बनाने को आता है, यानी पेड़ होता है, उससे हम फल खाते हैं या चावल हम निकालते हैं, फसल खेती करते हैं। इसके आगे हमारा सोच विचार जाता नहीं है। हम इसके आगे कभी सोचते नहीं हैं। यीशु क्या बोल रहा है समझ लीजिए। यीशु बोल रहा है कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा मैं पूरी करना चाहता हूं। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? जिसने भेजा है उसकी इच्छा मैं पूरी करूं तो क्या हो जाएगा? वो मुझे सब कुछ दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में मनुष्य देने वाले का कभी विचार नहीं करता है। इस संसार में मनुष्य कभी निर्माणकर्ता का विचार नहीं करता है। इस संसार में मनुष्य ये सृष्टिकर्ता का विचार नहीं करता है, परमेश्वर का विचार नहीं करता है। हम पेड़ का विचार करते हैं, लेकिन पेड़ बनाने का कभी विचार, बनाने वाले का विचार कभी नहीं करते हैं। हम गेहूं का विचार करते हैं, लेकिन गेहूं बनाने वाले का विचार हम कभी करते नहीं है। हम गेहूं बनाते खेत में, पेड़ लगाते, फल खाते, लेकिन ये बनाने वाला जो ऊपर बैठा है उसका विचार हमारे मन में आता नहीं है। यीशु कहता है मैं उसको खुश करना चाहता हूं। जिसने ये सब बनाया है उसको मैं प्रसन्न करना चाहता हूं, उसके दिल को मैं आनंद देना चाहता हूं। तो क्या हो जाएगा? यदि वो मेरे साथ खुश है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सब चीजें मैं कर सकता हूं। यीशु मसीह ने ऐसी चीजें की जो मनुष्य नहीं कर सकता है। उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, लंगड़े चलने लगे, मरे हुए आदमी को यीशु ने उठाया। ये चीजें हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? ये चीजें करने के लिए जो ताकत लगती है हमारे पास नहीं है। फिर यीशु ने कैसे की चीजें? यीशु का खाना अलग था, यीशु का भोजन अलग था। क्या भोजन था? दिन रात इसके मन में एक ही विचार था। क्या विचार था? जिसने मुझे भेजा है उसको खुश करूं, उसकी इच्छा के अनुसार चलूं। हालेलुया। यदि उसकी इच्छा के अनुसार आप चलेंगे तो वो आपको सब कुछ करने के लिए शक्ति देगा। जब हम खाना खाते हैं, चाहे चावल हो, गेहूं हो, या पेरू हो, आप अमरुद कहते हैं, पेरू हो, चिक्कू हो, मटन हो, मछली हो, तो हमारे शरीर में शक्ति मिलती है। हाँ, तो फिर हम वजन उठाते हैं, कुछ काम करते हैं कारखाने में, बस। लेकिन ये खाने से हमारे शरीर में ऐसी शक्ति नहीं आती है कि हम किसी को टच बोले वो गिर जाए।
आप बहुत खाना खाओ, बहुत मटन खाओ, बहुत मछली खाओ, बहुत सब्जी खाओ, बहुत फल खाओ, ऐसे मनो, आप क्या कर सकते हैं इस खाने से? क्या कर सकते हैं? वजन उठा सकते हैं? कारखाने में काम कर सकते हैं? कितनी भी ताकत शरीर में हो लेकिन टच बोल के किसी को गिरा नहीं सकते हैं, ये ताकत नहीं आती है। हालेलुया। जो भोजन हम लेते हैं उससे हमें क्या ताकत मिलती है, मैंने बताया क्या ताकत मिलती है, वजन उठाने के लिए और कुछ काम करने के लिए हमको ताकत मिलती है जो भोजन हम लेते हैं। जो भोजन यीशु मसीह ने लिया उससे क्या होता है, मरे हुए आदमी जिंदे होते हैं। हालेलुया। फिर अंधों को आंखें मिलती है, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, कोढ़ी ठीक होते हैं, लकवा निकल जाता है। उसने पानी को कहा, चुप, पानी शांत हो गया, समुद्र का पानी शांत हो गया। उसने हवा को कहा, शांत, हवा शांत हो गई। ये ताकत अमृत खाने से और चीकू खाने से नहीं मिलती है, ये ताकत गेहूं और चावल खाने से नहीं मिलती है, ये हमारा भोजन है। चावल, गेहूं और अमरूद, चीकू, फिर आम, मटन, मछली, ये खाने से क्या ताकत मिलती है, वजन उठाने की, शरीर की ताकत मिलती है। लेकिन ये खाने से आप कितने भी मजबूत हो, मैं जिम में जाता था व्यायाम करने के लिए, तो मैं देखता था आदमी को, इतना भी मजबूत हो आदमी, समुद्र को नहीं कह सकता शांत हो, समुद्र शांत नहीं रहेगा, रहेगा शांत? कितना भी गड़ी पहलवान हो, हवा को बोलेगा शांत हो जा, हवा नहीं शांत हो जाएगी, कुछ रिश्ता है नहीं। तो तुम्हारे बाहू में कितनी ताकत है उससे हवा का क्या संबंध है? आप हवा को बोलो शांत हो जाए, हवा थोड़ी सुनेगी आपका। जो चीजें यीशु ने की हम नहीं कर सकते हैं, जो चमत्कार यीशु ने दिखाए हम नहीं दिखा सकते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यीशु का भोजन अलग था, हमारा भोजन अलग है। हम चावल गेहूं खाते हैं, हम फल खाते हैं, हम मटन खाते हैं, मछली खाते हैं, इससे शरीर में ताकत आती है। हालेलुया, हालेलुया। अभी यीशु का खाना सुनो। यीशु पूछता था क्या करो, ऊपर वाला बोलता ऐसा करो, वो ऐसा करता था तो ऊपर वाला बोलता शाबाश, मैं खुश हूं, शाबाश, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। तो फिर यीशु मरे हुए आदमी को, पिताजी ये आदमी मरा है, मैं जिंदा करना चाहता हूं, करो। हाँ करो, उठो। तो उठता था, ऊपर वाला उसके साथ था। हम यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, परमेश्वर पिता उसके साथ था हमेशा। इसलिए कौन सा भी चमत्कार यीशु के लिए कठिन नहीं था, कि चमत्कार पिता के सामर्थ्य से वो करता था। हर चमत्कार को हम नहीं कर पाते हैं, यानी हम, यानी यीशु के चेले नहीं, दूसरे लोग यीशु के चेले चमत्कार कर पाते हैं, क्योंकि यीशु के चेले जो है यीशु के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के पिता के इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो यीशु के चेले भी चमत्कार दिखा रहे हैं। यीशु मसीह दिन रात एक ही बात कर रहा था, पिता को खुश कर रहा था, दिन रात वो पिता को खुश कर रहा था। पिता ने जैसा कहा उसने कहा किया, और पिता की सबसे बड़ी इच्छा कौन सी इच्छा, मनुष्य के लिए क्रूस पर मरना यीशु ने पूरी की, पूरे मनुष्य लोगों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। पिता की इच्छा थी, पिता की इच्छा उसने पूरी दी की। उसने एक शब्द यूज किया है, उपयोग किया है, उसका काम पूरा करो। उसका काम था क्रूस पर मरने के लिए, क्रूस पर मरने का काम उसका उसने पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिताजी का काम था क्रूस पर मरना, यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और तीसरे दिन जी उठा। चमत्कार हुआ, कैसा हुआ? परमेश्वर पिता की इच्छा उसने पूरी की। भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करते हैं हम चमत्कार दिखा सकते हैं, चमत्कार करने का सामर्थ्य आता है। संसार के लोग क्यों नहीं चमत्कार दिखा सकते हैं,
क्योंकि उनका खाना अलग है, उनका भोजन अलग है। यीशु मसीह का भोजन क्या था? परमेश्वर पिता को खुश करना, प्रसन्न करना। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, सुनिए, आप भी यीशु के पास आए तो दो तरह का खाना खाते हैं। मैं भी अभी दो तरह का खाना खाता हूँ। क्या मैं चावल नहीं खाता? जरूर खाता हूँ। क्या मैं फल नहीं खाता? जरूर खाता हूँ। लेकिन चावल और फल खाने से मेरे शरीर में ताकत आती है। चावल और फल खाने से मैं टच बोल के लोग नहीं गिरते हैं। आप जरूर पूछताछ करो, ब्रदर क्या खाना खाते हैं, ब्रदर क्या खाना खाते हैं जिसके कारण ब्रदर टच बोलते लोग गिरते हैं। ऐसा कौन सा खाना दुनिया में है? बकरी का मटन या मछली या कौन सा खाना है जिस जो खाना खाने से मैं टच बोला हूं लोग गिरते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये मुंह से जो खाना जाता है वो नहीं। ये खाना खाने से ये ताकत नहीं आती है, ये खाना शरीर को ताकत देती है। ये जो खाना हम खाते हैं ना, शरीर को ताकत आती है। लेकिन ये जो ताकत आप देख रहे हैं, ये ताकत आने के लिए ऊपर वाले का खाना खाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या खाना है ऊपर वाले का मैं बता रहा हूं। सुनो, आप यदि ये खाना शुरू करेंगे, ये भोजन शुरू करेंगे, आप भी आपके जीवन में चमत्कार देखेंगे। समझ लीजिए, आप प्रार्थना के लिए खड़े हैं, आपको यहां से बताया जाता है आपके जीवन में जो दुश्मन है जिनका मुंह भी आप देखते नहीं है, ऐसे लोगों को क्षमा करो। आप गड़बड़ में हो जाते, चक्कर में हो जाते, अरे वो पड़ोसी है उसको मैं देखता भी नहीं, उसको क्षमा कर लेंगे? अरे इसने तो मुझे सताया था, उसका उसको क्षमा करने की? मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। यहां से आवाज दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है कि क्षमा करो, आपके दुश्मन को क्षमा करो। आप मन में बोलते हैं मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपने मन में कहा मैं क्षमा करने वाला हूं, मैं क्षमा करूंगा, यदि आप क्षमा करेंगे तो आप ऊपर वाले को खुश करेंगे, ये आपका सच्चा भोजन है। हालेलुया। जब आप क्षमा करते हैं तब ऊपर वाला बोलता है मैं तुझसे खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, मेरे दिल को आनंद होता है कि तुम तुम्हारे दुश्मन को क्षमा कर रहे हो। यही खाना यीशु खाता था, यही भोजन यीशु करता था। क्या करता था? वो ऊपर वाले को खुश करता था। हालेलुया, हालेलुया। फिर थोड़े देर के बाद यहां से बताया जाता है अभी तुम्हारे पाप की याद करो, तो तुम बोलते हैं मैंने क्या पाप किया है? कितने लोग बोलते हैं मैंने क्या पाप किया है? थोड़ा बहुत औरत को मारता हूं, थोड़ा बहुत गालियां देता हूं, थोड़ा बहुत ऑफिस में रिश्वत लेता हूं, थोड़ा बहुत सब कुछ चल रहा है। हालेलुया। ऊपर बोलता है मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या पाप किया। लेकिन यदि आप पाप कबूल करेंगे, हे प्रभु यीशु, हर रोज मैं ऑफिस में रिश्वत लेता हूं, आई एम अ करप्ट मैन, मैं एक भ्रष्ट आदमी हूं, मैं कितना पैसा ऑफिस का चोरता हूं, कभी कभी ऑफिस का पेन घर पे लाता हूं, ऑफिस की स्टेशनरी घर पे लाता हूं। हाँ, कितने लोग ऑफिस के पेन घर पे लाते हैं, ऑफिस के कैलकुलेटर घर पे लाते हैं? प्रभु यीशु, मैं एक असल चोर हूं। आप आपका पाप कबूल करेंगे तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर बोलेगा मैं तुमसे खुश हूं क्योंकि तुम पाप कबूल कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। जो पाप कबूल करता है उससे परमेश्वर खुश होता है, और जो बोलता है मैंने क्या पाप किया, उस पर परमेश्वर का गुस्सा आता है। कभी नहीं कहना मैंने क्या पाप किया है, जो बोलता है ना मैंने क्या पाप किया है, उसके ऊपर परमेश्वर का गुस्सा आता है, परमेश्वर से इसका लेकिन जो बोलता है प्रभु मैं बहुत बड़ा चोर हूं, हालेलुया, हर रोज ऑफिस से स्टेशनरी लाता हूं, कभी कभी कैलकुलेटर भी चोरी करता है, कैलकुलेटर, वाह, हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, जो पाप कबूल करता है वो परमेश्वर के दिल को आनंद देता है,
परमेश्वर उससे खुश होता है और जो पाप कबूल करता है वो सच्चा भोजन लेता है, यीशु का भोजन लेता है। हालेलुया। मेरे पास ऐसा भोजन है जो तुम नहीं जानते हैं। हम कहेंगे उसको यीशु का भोजन। यीशु का भोजन क्या है? यीशु का भोजन यही है कि परमेश्वर पिता को खुश करना, उसके इच्छा के अनुसार चलना, उसका काम पूरा करना। हालेलुया। परमेश्वर हमें कुछ करने को कहता है, हम बड़ी मेहनत से करते हैं, हम परमेश्वर के दिल को आनंद देते हैं, परमेश्वर को खुश करते हैं, यही सच्चा भोजन है। जब हम खाना खाते हैं शरीर को शक्ति मिलती है, लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर को खुश करते हैं, सब मिलता है, सब कुछ मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ मिलता है। ऐसी एक चीज नहीं है जो परमेश्वर दे नहीं सकता है, सब चीजें परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? यीशु का भोजन लेना है। यीशु का भोजन हमारे भोजन से अलग है, उल्टा है। यीशु का भोजन क्या है? जिसने हमें भेजा है, जिसने हमें निर्माण किया है, उसको खुश करना, उसको प्रसन्न करना, उसके दिल को आनंद देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, दूसरी बात, यीशु आपको कहेगा कि फलाना आदमी के पास जाओ, उसके साथ रिकंसिलेशन करो, इसको मुझे लगता है मेल करो, मेल, मेल यानी समेट, मराठी में समेट कहते हैं, रिकंसिलेशन, मेल, इसके साथ बोलना, फिर से दोस्ती करना। हमें जाना है, वैसे करना है। क्या होता है उससे? परमेश्वर खुश हो जाता है। परमेश्वर आपको कहता है दान करो, दान, वो खुश हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा, उसके दिल को आनंद मिलेगा, यही सच्चा भोजन है, यीशु का भोजन है। हालेलुया, हालेलुया। जो भोजन हम खाते हैं, फल, चावल, गेहूं, मटन, मछली, उससे शरीर को ताकत आती है, लेकिन हमें परमेश्वर की आशीष चाहिए। इस संसार में मनुष्य का जीवन जो है बहुत सीमित है, सीमित यानी लिमिटेड, लिमिटेड, व्हाट कैन मैन डू, आदमी क्या कर सकता है? भाई और बहनों, मनुष्य इतना दुर्बल बन चुका है, मनुष्य की ताकत इतनी कम हो गई है कि मनुष्य बीमारी से पीड़ित है, सब तरह की समस्याओं से पीड़ित है। क्यों? हमारा खाना जो है वो ताकत नहीं दे रहा है, हमारा खाना हमें ताकत नहीं दे रहा है, हमारा भोजन हमें ताकत नहीं दे रहा है, हमारे भोजन से हमारे शरीर को सीमित ताकत आती है। लेकिन हमारे पास ऐसी ताकत चाहिए जिससे हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं, हमारे साथ पास ऐसी ताकत चाहिए जिससे हम मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हैं, लंगड़ों को चलने की शक्ति दे सकते हैं, अंधों को देखने की शक्ति दे सकते हैं। ये सब ताकत यीशु मसीह के पास थी, ये सब चीजें यीशु मसीह ने करके दिखाए, क्योंकि उसका खाना अलग था, उसका भोजन अलग था, हमारा भोजन अलग है। उसका भोजन क्या था? दिन रात वो पिता को खुश करता था, दिन रात पिता का सोचता था, दिन रात हम दुनिया का सोचते हैं, लेकिन यीशु मसीह पिता का सोच रहा था, उसकी इच्छा को पूरी करना चाहता था। जब आप उसकी इच्छा को पूरे करते हैं तो आपको सब कुछ मिलता है। जो परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करता है उसको सब कुछ मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। और अभी हम प्रार्थना लेने जा रहे हैं, अपने आँखों को बंद करो और पूरे दिल से इस प्रार्थना में भाग ले लो। हम गाना लेंगे, प्रभु मैं तुझे खोज रहा, प्यासा हिरन जैसे
प्रभु मैं तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा सोना चांदी तालियां बजाओ प्रभु यीशु का धन्यवाद करो दिल से कहो धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद स्वर्गीय पिता धन्यवाद स्वर्गीय पिता धन्यवाद स्वर्गीय पिता धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद पवित्र आत्मा दिल से प्रभु का धन्यवाद करो दिल से प्रभु का धन्यवाद करो प्रभु आपको छू रहा है प्रभु आपको छू रहा है इसी क्षण प्रभु आपको छू रहा है दिल से प्रभु का धन्यवाद करो दिल से प्रभु का धन्यवाद करो धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद 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 हम गाना लेंगे प्रभु फिर से मंडराता पृथ्वी
और अभी पूरा दिल प्रभु की ओर लगाओ। प्रभु आपके नज़दीक खड़ा है, दिल से उस पर विश्वास करो। वो जीवन का प्रभु है, वो बचाने वाला प्रभु है, वो ही मुक्तिदाता है। संपूर्ण दिल से उस पर विश्वास करो, उसे अपने दिल में ग्रहण करो। और अभी याद करो आपके दिल में किन के खिलाफ गुस्सा है, नफरत है, और उन सबों को क्षमा करो। ये प्रभु की आज्ञा है, क्षमा करो। जिन्होंने आपको सताया है, आपका नुकसान किया है, आपको बर्बाद किया है, आपका अपमान किया है, ऐसे हर व्यक्ति की याद करो और उनको क्षमा करो। ये प्रभु की आज्ञा है, ये प्रभु की आज्ञा है, क्षमा करो। यदि हम दूसरों को क्षमा करेंगे तो हमारे पापों की प्रभु हमें क्षमा करेगा। क्षमा करो। आपके दिल में खुद के भाई के खिलाफ गुस्सा होगा, बहन के खिलाफ गुस्सा होगा, माँ के खिलाफ, पिताजी के खिलाफ, सास ससुर, बहू दामाद, कोई भी दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, किसी के भी खिलाफ दिल में गुस्सा होगा, सबको क्षमा करो। टच टच। और अभी तुम्हारे पापों को प्रभु यीशु के सामने कबूल करो, प्रभु के सामने नम्र बन जाओ और सारे पापों को कबूल करो। आपके मन में आए हुए सारे बुरे विचार, आंखों से जो भी गलत देखा है, जबान से जो भी गलत बोला है, झूठ बोला होगा, किसी को गालियां दी होगी, किसी की निंदा की होगी, चोरी करना, व्यभिचार, हत्या, रिश्वत देना, रिश्वत लेना, अहंकार, स्वार्थ, कबूल करो अपने सारे पापों को। आपके जीवन में कोई छिपे हुए पाप हो सकते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है, पर वो जीवित परमेश्वर आपके हर पाप को जानता है। कबूल करो और नम्रता से कहो, हाँ प्रभु मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है, मेरा हर पाप मुझे कबूल है। टच टच। और अभी तुम्हारे पापों के लिए दिल से पश्चाताप करो। हमने परमेश्वर के खिलाफ और स्वर्ग के खिलाफ पाप किए हैं, इसीलिए हमें दुख होना चाहिए, बुरा लगना चाहिए। एक सच्चे दिल से पश्चाताप करो, प्रभु से कहो, प्रभु मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं महापापी हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है, मेरे पापों के लिए मुझे बुरा लग रहा है। दिल से पश्चाताप करो। और अभी अपने पापों के लिए प्रभु के पास क्षमा मांगो। हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है, उसने हमारे लिए उसका पवित्र लहू बहाया है, हमारे पापों को उसने उठाया, हमारे अधर्मों को उसने अपने ऊपर लिया। अपने दिल की आंखें खोलकर प्रभु के क्रूस की ओर देखो, जहां पर वो हमारे लिए तड़प रहा था। प्रभु के क्रूस पर से आज भी उसका पवित्र लहू हमारे लिए बह रहा है। अपने हाथों को उठाओ और उसे पुकार कर कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर प्रभु, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर, तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को धो डाल प्रभु, दया कर मुझ पर, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर,
मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। और अभी विश्वास के साथ अपने बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है, स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे,
बहिरे सुनने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, शरीर की गाठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण उन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्ज अदा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके परिवार में झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से शिक्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो, दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
और अभी आखिरी आशीषों के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय आप जिन चीज़ों के ऊपर आशीष लेना चाहते हैं, जैसे कि पानी, तेल, रुमाल और किसी भी चीज़ पर आप आशीष चाहते हैं, तो उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। और अभी आप में से जो लोग परमेश्वर का काम करना चाहते हैं और पवित्र आत्मा चाहते हैं, आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर इसी क्षण पवित्र आत्मा आ जाए। आमीन। और अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने अभी भी प्रभु यीशु पर पूरा विश्वास नहीं किया है, यदि आज आप विश्वास करके मुक्ति पाना चाहते हैं, तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलो। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है। तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ। मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेंगे। बदल गया जब से मैंने उसे पाया। मेरा जीवन बदल बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल बदल गया जब से मैंने उसे पाया। मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल मेरा मन मेरी काया। मेरा दिल मेरा मन मेरी काया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल बदल गया जब से मैंने उसे पाया। मेरा जीवन बदल बदल गया। रात काली बीत गई है हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने यह गीत गाया। इसलिए
से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया, मेरा जीवन बदल बदल गया, मेरा जीवन